दूसरी जाति या दूसरे धर्म में शादी या प्यार करना इस देश में हमेशा से गलत ठहराया गया है, पर अब इसे एक धर्म के खिलाफ हथियार बना दिया है। लव जिहाद क्या है और कहां से शुरू हुआ, आइए जानते हैं। लव जिहाद या रोमियो जिहाद एक काल्पनिक कथा है जिसमें बताया जाता है कि मुसलमान नौजवान हिंदू लड़कियों को झांसा देकर उनसे शादी करते हैं उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए। इसका जिक्र पहली बार आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में हिंदू जनागृति समाज या HJS ने कर्नाटका में अपने नफरत भरे एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया था। कई खोखले दावे करके कि कर्नाटका में बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। 2009 में फिर केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद पर जांच करने का आदेश दिया, जिसमें ये निकल कर आया कि लव जिहाद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। HJS एक कहानी गढ़ रहा था कि ये हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश है। पर अगर आंकड़ों को देखें तो scroll.in की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हमेशा एक भारतीय मुसलमान के लिए आपको हमेशा 5 भारतीय हिंदू मिलेंगे। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में BJP के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर गांव कस्बे में जाकर लव जिहाद की अफवाह फैलाई, जिससे दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हो गए। WhatsApp पे फेक न्यूज फैलाकर लोगों को और भड़काया गया, जिसके चलते पंचायतों ने औरतों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी तक लगा दी। इसी नफरत के माहौल के बीच 2013 में मुजफ्फरनगर का एक मामूली बाइक एक्सीडेंट दंगों में बदल गया, जिसका सीधा सीधा फायदा BJP को 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। लव जिहाद जैसे फर्जी मुद्दे को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मुसलमानों को देश का दुश्मन बता दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद किया जाए। BJP ने हमेशा से लव जिहाद की अफवाह को आगे बढ़ाया है, फिर चाहे वो कानून बना के, भाषण बोल के या फर्जी केसेस बना के हो। इसका इस्तेमाल वो चुनाव के दौरान असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद को आम जनता के लिए एक सच्चाई बनाने में बड़ा हाथ हमारी मीडिया का भी है। ये जो अल्टीमेटम दिया गया, 24 घंटे स्टूडियो में बैठकर सबसे तेज खबरें दिखाने का दम भरने वाले मीडिया हाउस खबरों की जांच पड़ताल करने की जहमत तक नहीं करते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में यह सामने आया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की SIT टीम की लव जिहाद के केसेस की रिपोर्ट का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर मीडिया हाउसेस ने इस रिपोर्ट को आंख बंद करके छापना शुरू कर दिया था। किसी ने ना एक बार पुलिस के आरोपों को चेक किया, ना ही उन्होंने आरोपी से बात की। बीते सालों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो गिरा ही, पर हद तो तब हुई जब लव जिहाद जैसी काल्पनिक बात पे भारत के 11 राज्यों ने कानून निकाल दिए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस या फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। इन अधिनियमों के अंतर्गत अंतरधार्मिक शादियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना हो तो ये उसको कागजी कार्यवाही में उलझा देंगे। इसके बाद पुलिस लव जिहाद की संभावना पे उन पे जांच भी करेगी और ये सूचना DM के पब्लिक नोटिस बोर्ड पर भी रहेगी, जिससे कोई उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सके। इस कानून को बहुत आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और प्रशासन द्वारा
निर्दोष मुसलमान युवकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अंतर धार्मिक शादी को जोर जबरदस्ती और प्रलोभन के समान रखते हैं। मतलब दो लोग अगर एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी और अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रशासन के साथ कई कट्टर हिंदू संगठनों का सामना करना पड़ेगा। ये अध्यादेश सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका के अनुसार संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 25 के खिलाफ है, यानी हमारे चॉइस, कॉन्शंस, प्रिवेसी और ऑटोनॉमी के अधिकार के खिलाफ। ये 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के भी खिलाफ है। जब रोज सोशल मीडिया पर आईटी सेल द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हों, वहीं कानून का दुरुपयोग कर नेता और मीडिया सब आपको लव जिहाद जैसे काल्पनिक मुद्दों पे विश्वास दिला रहे हों, तो सच देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई अदालतों के निर्णय, पुलिस और न्यूज रिपोर्ट्स ने बार बार बताया है कि लव जिहाद का कोई सबूत नहीं है। दुख की बात तो ये है कि ये अफवाह न केवल अंतर धार्मिक विवाहों को रोक रही है, बल्कि इसकी वजह से कई मुसलमान नौजवानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और देश में धार्मिक असमंजस्य बढ़ता जा रहा है। इस झूठ को बहाना बनाकर लोगों के आपसी जुड़ाव, प्यार और कौमी एकता को खत्म किया जा रहा है। इस साजिश का औरतों और मुसलमानों पर जो असर हुआ है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।